हे गाइस, तो ये वीडियो मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है जिसके अंदर मैं अपना जो सेटअप मैंने बनाया है ये मोटो व्लॉगिंग का, उसको चेक करने वाला हूँ कि ये कैसे साउंड कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि जो इसके अंदर आवाज़ आ रही है और जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मेरा SJ कैम है, उसके अंदर हमें कैसी क्वालिटी मिल रही है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और उसको मैं वहाँ से पिक करूँगा, और उसके बाद हम जाएँगे ओप्पो के सर्विस सेंटर में जहाँ पर मुझे अपने ईयरफोन दिखाने हैं। तो चलिए चलते हैं। बाकी आप देखो और बताना कमेंट करके कि जो वीडियो आ रही है वो कैसी आ रही है और वॉइस क्वालिटी भी कैसी है। तो पहले अपने दोस्त के घर जाएंगे। कि आप एंगल देख लेना कि एंगल कैसा लग रहा है। चलो, मेरे दोस्त के घर तो हम पहुंच गए, अभी बुलाते हैं उसको बाहर। कर दिया। यार जो ओप्पो वाले ईयरफोन है ना, उसका सेंसर नहीं चल रहा एक साइड का। हाँ, सेंसर एक साइड वाले में, वॉल्यूम वगैरह ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए। पहले तो उसमें पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में। इधर से डलवा लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं हमें अनमोल है ना, सब पूछते हैं ना ऐसे। सो फ्रेंड्स, हम ओप्पो के सर्विस सेंटर से तो आ चुके हैं, अब अपनी बाइक निकालते हैं। हमने अपने ईयरफोन तो दे दिए जो कि रिप्लेस होके आएंगे, अब उसमें 1 वीक का टाइम लगेगा। रास्ते में बारिश आ गई थी तो मैंने बीच में वीडियो को स्टॉप कर दिया था, तो हमारा काम तो निपट गया। अब यहाँ से अपनी बाइक कैसे निकाल लें, चलो देखते हैं। पता नहीं भाई, निकल जाएगी शायद। साइकिल यार, ताला लग रहा होगा पीछे, कर दे और। निकल जाएगी। चलो एक मिनट, अपनी बाइक भी निकल गई, अब चलते हैं। आजा बैठ। रिकॉर्डिंग हो रही है। कहाँ चले अब, कहाँ चले?
फ्रेंड्स, जो हमारा काम था वो तो हमने निपटा लिया, और रास्ते में हमने ना ब्लॉक को बंद कर दिया था, क्योंकि पता है क्या हुआ हमारे साथ, हम जब जा रहे थे तब तो मौसम बिल्कुल साफ था, और अभी भी आपको दिख रहा होगा कि साफ है मौसम, लेकिन जब हम पहले जा रहे थे ना तब पता है क्या हुआ, रास्ते में पहले तो धूप दिख रही थी और एकदम ना बारिश आनी स्टार्ट हो गई, और फिर हमें कैमरा निकालना पड़ गया क्योंकि ये वाटरप्रूफ तो है नहीं अभी, तो हमने फिर वहाँ पे ब्लॉक बंद कर दिया। उसके बाद फिर हम सर्विस सेंटर गए, वहाँ पे हमने अंदर की शूटिंग तो नहीं करी, लेकिन जब तक हम वहाँ से बाहर निकले तो हमने यहाँ पे अपना जो ब्लॉग है वो वापस से चालू कर लिया। अब अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया मैंने, अब रास्ते में कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कर लिए हमने, कुछ खा पी लिया, और अब अपना वापस अपने घर जा रहे हैं, और घर जाके अपनी जो वीडियो है जो हमने स्टोर करी आज, जो रिकॉर्ड करी है, उसको एडिट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आज क्या क्या रिकॉर्ड करके मिला है हमें, और हमारे पास जो हमारा फर्स्ट व्लॉग है वो कैसा आता है, बाकी देख लेंगे घर जाके वो तो, और आवाज़ भी कैसी आ रही है कैसी नहीं। लेकिन ये काम बड़ा बेकार हुआ कि जब हम जा रहे थे तब इतनी तेज़ बारिश आने लगी, और फिर हमारा जब काम हो गया, जब हमने ब्लॉग बंद कर दिया तो धूप निकल गई, मतलब जब हम ब्लॉग बना रहे थे तब तो बारिश आ रही थी, लेकिन जब हम ब्लॉग नहीं बना रहे तो धूप निकली पड़ी है, और अगर ये बारिश में बनाते तो ये कैमरा भी ख़राब हो सकता था, क्योंकि इसमें ना मैंने हेडफोन जैक जो है वो अलग से लगाया है ताकि मेरे जो माइक है वो कनेक्ट हो जाए। तो अभी हम बस घर पहुँचने ही वाले हैं अपने, और घर पहुँच के इस ब्लॉग को मैं एंड ही कर दूँगा, बाकी बीच में हमने एक दो वीडियो भी शूट करी है बाइक की, वो भी आप देख लेना, मैं डाल दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ फीडबैक देना हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, और चैनल पर लाइक भी कर लेना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी हम बस घर के यहाँ पहुँचने वाले, हमारे यहाँ देखो रोड कितना ख़राब हुआ पड़ा है, और मेरा इंस्टा हैंडल भी डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर भी आप मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी अब डेली से बढ़िया पोस्ट आती रहेंगी, और ब्लॉग्स तो मैं डालते रहूँगा। यहाँ पे जाने का रास्ता भी सीधा नहीं है यार, घर के यहाँ सारी गलियाँ तोड़ रखी इन्होंने, और ये आज से नहीं है बहुत टाइम से हो रहा है। ध्यान से अंकल जी, निकलो, अब देखना कितनी तेज धूप आ रही है, और पहले इतनी तेज बारिश आ रही थी उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी देख लेना आपकी कितनी तेज बारिश आ रही थी, हम पुल के नीचे रुके थे, फिर हमने कैमरा हटा के अपना जो सर्विस सेंटर था चले गए। और हुआ क्या था कि जो मेरे पास ना ईयरफोन थे वायरलेस ओप्पो वाले, तो उनका ना सेंसर काम करना बंद कर गया था, तो उसको मैंने सर्विस सेंटर पे जब अभी दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये रिप्लेस हो जाएंगे, तो हमें उन्होंने एक वीक का टाइम दिया है, हमें कोई नए ईयरफोन मिलेंगे जब वो आएंगे, तो वो भी आपको वीडियो पता चली जाएगा। तो अब हम अपने घर पहुँच गए हैं, और अपना बाइक लगाते हैं, अपनी लगा रखी अपनी बाइक, चलो अपनी भी लगा देते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।